साईं होटल में जो दो लोग संदिग्ध पाए गए थे वो कोई पब्लिक के लोग नहीं थे। एक व्यवस्था है कि जब जो इलाज करते हैं स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक, वो एक सप्ताह इलाज करने के बाद 15 दिन के लिए पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। उस एक सप्ताह तो इलाज करते हैं और एक्टिव क्वारंटाइन में रहते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद 15 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। ये स्थान अधिग्रहित है साई होटल पैसिव क्वारंटाइन के लिए, इसलिए यहाँ पर सामान्य लोगों का आवागमन नहीं था। क्लोज कैंपस है, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार जिस कमरों में वो लोग थे या आसपास के परिवेश को सैनिटाइज किया गया, और उस कैंपस के बाहर से चूंकि उनका कोई कनेक्ट नहीं है, पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, होटल खुला नहीं है, इसलिए उस एरिया के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाने का हेल्थ प्रोटोकॉल में कोई प्रावधान नहीं। अब तक कुल 22 कंटेनमेंट जोन हैं बनाए गए हैं, अधिकांशतः मजरे हैं। राजस्व ग्राम भी पूरा नहीं है क्योंकि एक से अधिक केसेस बहुत कम जगहों पर हैं। सबसे अधिक जो कंटेनमेंट जोन के रूप में प्रशासन के लिए सावधानी और चुनौती है वह जियापुर दक्षिणी और नेतपुर है, जहां पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद सैंपल जाने पर वहां पर ज़्यादा संख्या में लोग मिले हैं पॉजिटिव, इसलिए वहीं पर कंटेनमेंट जोन के जो मेन प्रोटोकॉल है उसको उन दो जगहों पर ज़्यादा फोकस्ड वे पे काम हो रहा है। अन्य जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन है वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो 10-20-25 घर एक पूर्वे के रूप में आइसोलेटेड हैं और उनको अलग से सेग्रीगेट किया गया है, और उनकी डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल भी भेजे गए।